आज उत्तराखंड किसान मोर्चा ने जो दहन किया, जो किसान आज इकट्ठा होकर सब हरियाणा पंजाब पूरे देश का किसान पहुंच रहा अपनी बात रखने के लिए, लेकिन आज जो केंद्र सरकार ताना साहिब होकर की अपनी बात जो किसान कहना चाहते हैं उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं। वो एक किसान का आज दुर्भाग्य है, एक तरफ तो उसकी फसल पिटरी मार्केट में और दूसरी तरफ सड़कों पर किसान पिटरे। ये जो केंद्र सरकार आज पूरी ताना साहिब उतर गई उसके विरोध में ही है। उत्तराखंड किसान मोर्चा उसका निंदा करता है और विरोध करता है और मांग करता है कि किसान जो अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं उनकी वार्ता कर उनके समाधान किया जाए और कृषि बिल में संशोधन कर उनके हित में काम किया जाए। 25 तारीख की राष्ट्रव्यापी कोल्फी किसानों की दिल्ली पहुंचने की, पंजाब राजस्थान हरियाणा के किसान जो दिल्ली पहुंचकर सरकार को अपनी बात बताना चाहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जो है हर जिले में बैरिकेडेड लगाकर फोर्स लगाकर रोक दिया। उसी के विरोध में आज ये उत्तराखंड किसान मोर्चे ने रुड़की में पुतला दहन किया कि किसानों को दिल्ली में अपनी बात रखने का अधिकार है, किसान आतंकवादी नहीं है। जहां अपना सीआरपीएफ आरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स किसानों को आंसू गैस छोड़ने के लिए लगा रखी है, तो हमारी मांग है कि किसानों को दिल्ली पहुंचने दे और किसानों की बात सुनी जा। अगर ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? अगर ऐसा नहीं करते तो पूरे देश का किसान आंदोलित होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, एक बड़ा आंदोलन होगा सरकार के खिलाफ,